Hello everyone, I am the teacher to the question. Let me explain the question to you now. The question says, what is tropism? Question कह रहा है कि tropism जो है वो क्या है. So let us talk about the tropism. Tropism क्या है? Tropism एक biological phenomena है. This is a biological phenomena. Tropism वो biological phenomena है जो कि किसमें हेल्प करता है. द बायोलॉजिकल फिनामिना जो हेल्प करता है विच हेल्प्स इन टर्निंग द क्या किसमें हेल्प करता है. ये हेल्प करता है टर्निंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. टर्निंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स की टर्निंग को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम कहते हैं ट्रॉपिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म. ये कैसे होती है मूवमेंट? दिस मूवमेंट आकर्स बिकॉज द प्लांट रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस. ये मूवमेंट तभी होती है जब किसी भी तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ प्लांट जो है वो रिएक्शन शो करे या रिस्पॉन्स शो करे. सो द ट्रॉपिज्म इज अ बायोलॉजिकल फिनामिना ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली प्लांट्स का होता है ये. और प्लांट्स ही जो है ट्रॉपिकल मूवमेंट शो करते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. जैसे हम स्टिमुलस अगर लाइट से लेते हैं तो जो ट्रॉपिज्म शो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोट्रॉपिज्म. उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं. और इसी तरह से अगर किसी और सोर्स से जो है आपको स्टिमुलस मिलता है और आप उसका रिस्पॉन्स करते हो तो यू आर फॉलोइंग ए मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिज्म. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. थैंक यू.